धन्यता तुम्हारा बेटा कोख में पैदा दिए लेकिन तुम्हारा बेटा बाद में है माँ। हम जनता का प्रकाश लाइव में अभी हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिला के कांती में, जहाँ पे राजपा के कार्यालय है और वहाँ का तस्वीर दिखाई दे रहा है। सुबह 8 बजे के बाद से यहाँ पे कार्यकर्ता का हुजूम रहता है और यहाँ पे अनय जी, अनय राज अभी नहीं है यहाँ पे, उनकी मम्मी है, उनसे जानते हैं कि क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्या लग रहा है इस बार का। अनय जी अभी नहीं है, कितना केस फंसा फंसा कर एक नहीं 42 दफा केस मेरे बच्चे पर कर दिया गया है और सब झूठी केस है, सब बनावटी केस है। दुश्मन ने, एंटी पार्टी ने बार बार मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया गया है। आज नहीं, आज 10 साल 11 साल से मेरा बच्चा परिश्रम कर रहा है। 11 साल के अंदर में 42 दफा केस है। एक ना समझ बच्चे जिस समय उसका उम्र था, उस समय से जब राजनीतिक में उतरा उस समय से दुश्मन लग गया। अब बार बार केस करते गया जो उसे पीछे हट जाएगा, साइड हो जाएगा। हम जैसे नचाते हैं, जैसे करते हैं, वैसे जनता को, पब्लिक को नचाएंगे और गुमराह करके उसको हम माने वोट कैसे देते। पहले अनय जी से बात हुई थी क्या? जी नहीं, हम तो बाहर थे। मेरा जॉब कटिहार है, इसलिए हम कटिहार में रहते हैं। हम तो यहाँ उसको 2 दिन पकड़ा जाने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे, इसलिए मुझे बहुत दुख है जो मेरा बच्चा से कुछ बात भी नहीं हुआ, हम बच्चा को देख भी नहीं सके। इसलिए आप लोग से यही अनुरोध है, सिर्फ एक बहुल वोट देकर मेरे बच्चे को विजय करें और आप सबको आजीवन मेरा बच्चा साथ देगा। जो कभी कोई नहीं साथ दिया है वो दुख सुख दिन रात साथ देगा। जो एक कांटी कांटी नहीं रहेगा, कांटी बहुत बड़ा कांटी शहर बन जाएगा, जो कोई समझ भी नहीं पाया है। बनने के बाद, जीतने के बाद कोई देखेगा जब मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा कितना होनहार पब्लिक के लिए है, कितना पब्लिक के लिए जी जान देता है। जो पहले भी करके दिखाया है आगे भी करके दिखाएगा, ये में मेरा विश्वास है, एक गर्व है। क्योंकि बार बार फिर मैं बात दोहराती हूँ, बार बार मेरा बच्चा हमेशा हमको कहता है, कभी किसी बात के लिए मना भी करते थे, जो बेटा तुम्हारे ऊपर कितना केस दुश्मन ला देता है, झूठ साथ में फंसा देता है, तुम इस काम को छोड़ दो। कहिए दुकान किए हुए, बिजनेस किए हुए कोई करता है उस बिजनेस में मन लगा लो, लेकिन तुम इस छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटा माँ ऐसा हम नहीं करेंगे, मरतो दम तक जब तक मेरी सांस रहेगी, सिर्फ तुम्हारे कोख में पैदा लिए है उतना ही के लिए तुम बेटा समझना और हम कुछ अच्छा करेंगे उस पर गर्व करना। लेकिन हम पहले जनता का बेटा है, समाज का बेटा है, गरीब का बेटा है, तुम्हारा बाद में हम बेटा है, तुम्हारा हम बाद में बेटा है, पहले गरीब जनता का बेटा है। ये बार बार करके मेरा बेटा सब गरीब को साथ देता है, सब न जाति देखा, न धर्म देखा, न गरीब देखा, न अमीर देखा है। 11 साल से मेरा बच्चा दिन रात करता, जिस समय उसका उतना समझदारी उम्र भी नहीं था, उस समय से वो इस लाइन में लग गया और उस समय से दुश्मन ने उसका पीछा करते कर 4 दफा उसको जेल भी धरवा दिया। यहाँ तक कि राते राते मुजफ्फरपुर से पटना, हाजीपुर, पटना जेल, बेऊर जेल तक भेज दिया, तो इतना सजा दिलवाने के लिए। लेकिन मेरा बच्चा कोई पाप नहीं किया था, कोई चोरी नहीं किया था, कोई डकैती नहीं किया था, कोई किसी तरह की गलत नहीं किया था जो उसके साथ जेल के भी स्टाफ अत्याचार करेंगे। इसीलिए बेऊर जेल भेजवाया गया, एंटी पार्टी दुश्मन ने भेजवाया जो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। अभी वो आपके साथ नहीं है तो कितना उनको मिस, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान जानते हैं जो एक माँ अगर हर अपने औलाद वाले माँ जो होगी वो माँ ये मेरी विनती सुनती होगी तो जरूर सुनेगी, तो मेरे एक बच्चे के लिए अपने बच्चे पर मोह दया करते हुए यही सोचेगी जो हम दया दूसरे पर करेंगे पहले वो दया का फल मेरे बच्चे पर भी मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिला के राजपा पार्टी के कार्यालय पे वहाँ का भी अभी आपको बता रहे थे तस्वीरें, उन्हीं से बात की है और यहाँ पे और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बताइए अभी मैं राज उनको कितना मिस कर रहे हैं आप? पिछली बार भी उसको यही पे थर्मल खेत पर जब विपक्ष के लोगों ने, पूर्व मंत्री के लोगों ने एक लाश पे, एक भूमिहार के लाश पे लात मार रहे थे, वही मेरा साथी अनराज क्रांतिकारी जब उस लाश को पैसा दिलाने के लिए थर्मल गेट पे बैठा था, उसे भी छीना पे मारा गया, उसकी भी हत्या करने की पूरी साजिश करी गई, लेकिन भगवान के कृपा से वो लड़का जिंदा रहा।
और आज भी उसको जेल भेजा गया है, बहुत कष्ट में, आत्मा दुखी है, जनता भी दुखी है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, सारे लोग हमको वोट देने के लिए तैयार हैं, बस एक बार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम लोग भी भावुक हैं, जनता भी भावुक है, दोस्त के लिए, क्रांतिकारी साथी के लिए मैं भी दुखी हूँ।